नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 APS कंपनी के बारे में। अगर आप APS के थ्रू आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकालने या फिर मनी ट्रांसफर का काम करना चाहते हो अपनी दुकान पर, मतलब कि CSP से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा कमीशन देने वाला, सबसे स्मूथ चलने वाला, आसानी से मिल जाने वाला पोर्टल कौन सा है, आज की इस वीडियो में मैंने एक टॉप 5 APS कंपनी की लिस्ट बनाई है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं टॉप 5 APS कंपनी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद APS और CSP, BC पॉइंट वगैरह चलाता हूँ, बहुत सारे पोर्टल्स मेरे पास हैं भी और मैं यूज भी करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन सा पोर्टल एक APS संचालक के लिए बेस्ट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसी आधार पर हम अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से हमने 5 APS कंपनी की लिस्ट बनाई है, उनको मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 APS कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ और भी डिटेल्स देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास स्टेट बैंक का CSP है या फिर पॉपुलर बैंक का CSP, मतलब कि जो भी सक्सेसफुल बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, जैसे किसी भी बैंक का CSP है, तो आप APS कंपनियों को पीछे ना भागे, अपने CSP पॉइंट के थ्रू ही उसी में आपको APS, मनी ट्रांसफर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो उसी का इस्तेमाल करें। क्योंकि यहां पर आपको पता होगा कि जब भी आप APS या फिर मनी ट्रांसफर जैसे काम करते हो तो यहां पर आपका बजट लगभग 1 से 2 लाख का होना चाहिए और वो बजट आपके पोर्टल में होना ही चाहिए। तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए स्टेट बैंक का CSP चलाते हो तो स्टेट बैंक की तरफ से जो आपको पोर्टल दिया जाता है और उस पोर्टल से जो अकाउंट लिंक होता है वो स्टेट बैंक का करंट अकाउंट लिंक होता है। उस करंट अकाउंट के थ्रू आप फोन पे भी लिंक कर सकते हो, नॉर्मली आप पैसे भी कैश निकाल सकते हो, ATM भी आता है, तो यहाँ पर एक तरीके का वो आपका अकाउंट ही होता है। तो यहाँ पर जो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है जाता है वो आपके स्टेट बैंक द्वारा दिए गए करंट अकाउंट में ही आता जाता है। तो यहाँ पर आपको ना तो सेटलमेंट की जरूरत होती है, ना ही यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत होती है कि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले तो फर्स्ट एडवाइस यही दूंगा कि अगर आपके पास किसी भी गवर्नमेंट बैंक या फिर बिगेस्ट बैंक का CSP पॉइंट है तो यहाँ पर आप उसी का यूज करें APS मनी ट्रांसफर सभी सेवाओं के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज गवर्नमेंट बैंक होते हैं या फिर आप प्राइवेट बैंक होते हैं बड़े बड़े, उनका CSP मिलना इतना तो आसान होता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लोगों के मन में यही आता है कि भाई हम किसी फिनटेक कंपनी या फिर किसी भी अदर पेमेंट बैंक का CSP पॉइंट लेकर अपना काम चलाते हैं, जब हमें मिलना होगा CSP किसी बड़े बैंक का तब मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि APS की रेस में भी कई ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिनका काफी अच्छा नाम और वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जाने से रोकना चाहता हूँ। मैं उन कंपनियों के नाम भी बताऊंगा जिन कंपनियों के APS आपको नहीं लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉप 5 APS कंपनी के नाम बता दूं। पहले नंबर पर तो आता है पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों आपने पेटीएम पेमेंट बैंक का तो नाम सुना ही होगा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पेटीएम खुद एक पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पर RBI से उसे बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त है। तो जो वो APS इस्तेमाल करता है पेटीएम पेमेंट बैंक, मतलब कि अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का BC एजेंट बनते हो तो यहाँ पर जो आपको APS मिलेगा वो फर्स्ट पार्टी रहेगा। फर्स्ट पार्टी का मतलब कि यहाँ पर जो भी APS आपको APS सर्विस मिलेगी या फिर जो भी यहाँ पर XYZ सर्विस मिलती है वो यहाँ पर फर्स्ट पार्टी रहती है। तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट खुद के ही लाइसेंस से लिए गए सर्विस वो अपने BC पॉइंट को उपयोग करने के लिए देता है। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी पेटीएम पेमेंट बैंक, वहां पर आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी। और हाँ, अच्छी बात यह है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से आपको एक करंट अकाउंट भी दिया जाता है। हाँ, एक जो करंट अकाउंट दिया जाता है वो इतना कारगर तो नहीं होता जितना कि स्टेट बैंक द्वारा दिया जाता है, लेकिन काफी हद तक सेफ होता है। तो यहाँ पर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के BC एजेंट बन के भी APS का काम शुरू कर सकते हो, ठीक है ना।
दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ डीएमटी जैसी हजारों सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर जा सकते हो। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग की सुविधा मिलेगी, मनी ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी, कैश कलेक्शन की सुविधा मिलेगी और भी कई ऐसी सुविधाएं होती हैं, एपीएस करंट अकाउंट वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर भी जा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एयरटेल पेमेंट बैंक खुद एक बैंक है, तो यहाँ पर उसके पास खुद एपीएस का लाइसेंस है और खुद का ही एपीएस यूज करता है, तो यहाँ पर आपको बिंदास होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब दोस्तों दूसरी तरफ हम आते हैं स्पाइस मनी। वैसे तो स्पाइस मनी एक फिनटेक कंपनी है जो कि दूसरे बैंक से लाइसेंस लेकर यहाँ पर अपने बीसी एजेंटों को एपीएस की सुविधा देती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्पाइस मनी जो कंपनी वो कई सालों से यहाँ पर वर्क कर रही है और एपीएस की रेस में सबसे आगे है। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपनी दुकान शॉप पर स्पाइस मनी की छोटी सी आईडी लेकर भी यहाँ पर काम की शुरुआत कर सकते हो। और दोस्तों यकीन मानिए स्पाइस मनी भरोसेमंद पोर्टल है, यहाँ पर आपको कमीशन भी अच्छा मिलता है और सबसे अच्छी चीज की यहाँ पर आपको सभी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। आईआरसीटी से लेकर बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ यहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पाइस मनी की जो आईडी होती है फ्री होती है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाती है। ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पर आता है कि अगर आप एक सीएससी संचालक हो तो सीएससी की तरफ से आपको किसी भी अगर बैंक का, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, अगर आपको सीएससी की तरफ से इन बैंकों का सीएसपी मिलता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं सीएससी की तरफ से जो भी बैंक का सीएसपी मिलता है इनमें ज्यादा सर्विसेज देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी आपको सर्विसेज मिलती है ना, एक नंबर सर्विसेज मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपको सीएससी द्वारा कोई भी बैंकिंग पॉइंट मिल रहा है तो आप चूकिए मत, ले लीजिए। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों सीएससी में ही आपको डिजीपे लाइट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि एक बेहतरीन पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है तो भरोसेमंद है ही। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा, हर रोज यहाँ पर शाम के शाम या फिर रात के रात यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया करें, क्योंकि पता नहीं कल सुबह क्या हो, सीएससी बंद हो जाए या फिर पोर्टल बंद हो जाए। तो इसीलिए, बाकी तो आप खुद जानते हो सीएससी एक गवर्नमेंट पोर्टल है तो धोखाधड़ी वाला तो काम है ही नहीं, तो आप आंख बंद करके भरोसा करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर लास्ट में आते हैं फिनो पेमेंट बैंक की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक की आईडी में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ए आईडी बहुत ही महंगी मिलती है और दूसरा यहाँ पर अगर आप कस्टमर्स को यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देते हो तो बहुत महंगी होती है वो अकाउंट ओपनिंग की सुविधा। तो ये यहाँ पर मैंने लास्ट में चॉइस रखी आपको फिनो पेमेंट बैंक की, क्योंकि यहाँ पर आपको भरोसा तो देखने को मिलता है क्योंकि ये खुद एक पेमेंट बैंक है तो आरबीआई द्वारा अप्रूव है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस दो ही है, पहला तो यहाँ पर एक स्लो पोर्टल है, दूसरा यहाँ पर आपके चार्जेस ज्यादा लगते हैं, इसीलिए मैंने इस फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल को लास्ट में रखा है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि कौन सा ऐसा पोर्टल है जो आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको किन पोर्टल्स को नहीं लेना है। आपको उन पोर्टल से दूरी बनाकर रखनी जो कि नए पोर्टल है या फिर मार्केट में अभी भी घिसट घिसट के चल रहे हैं, उन पोर्टल से तो भाई दूर ही रहे, क्योंकि ये जो पोर्टल होते हैं कब बंद हो जाए, कब इनका दिवालिया निकल जाए, कुछ पता नहीं होता है। मैं यहाँ पर क्लियरली किसी भी पोर्टल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर आपको हिंट दे देता हूँ, जितने भी अभी फिनटेक पोर्टल चल रहे हैं, मतलब कि जो खुद एक बैंक नहीं दूसरों के बैंकिंग लाइसेंस पर काम कर रहे हैं और उनके आपको नाम बड़े दर्शन छोटे मिलेंगे, तो यहाँ पर आप उन पोर्टल से दूरी बनाकर ही रखें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।